हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट ड्रीम। दोस्तों एक्चुअली मुझे घूमने का बहुत शौक था और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बाइक से जाता हूँ घूमने, क्योंकि मुझे बाइक राइडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, 3-4 साल से घूम रहा हूँ हिमाचल उत्तराखंड। बट बीच में मुझे दोस्तों ने बोला यदि तुम घूमते हो तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो इसमें एक्चुअली मैंने शूट किया था, बट इसमें मैं इसमें नहीं हूँ, बट मैंने वीडियो शूट किया हुआ है। तो मैं आपको आज सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड में है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो आइए मैं आपको सुरकंडा देवी टेम्पल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से हम मंदिर के लिए शुरू करते हैं, यहीं से सुरकंडा माता देवी का मंदिर के लिए चढ़ाई आरंभ होती है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, यह सुरकंडा देवी माता का मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कनाताल गांव में स्थित है। यह धनौल्टी से 8 किलोमीटर और यह लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लोकेशन है और रास्ता थोड़ा कठिन है और 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा व्यूज है। जब आप मंदिर पे ऊपर में लास्ट पॉइंट पे आप जाओगे तो बहुत ही अच्छा वहाँ से व्यू दिखता है। बट यहाँ पे क्या है ना, मौसम बदलते रहता है, कभी बादल छा जाते हैं तो कभी बारिश तो कभी धूप, इस वजह से कभी प्रॉपर आपको व्यूज दिखेंगे नहीं। अदरवाइज वहाँ से बहुत अच्छा लोकेशन चारों साइड का दिखता है। अब मैं कुछ आपको मंदिर के बारे में बता दूं दोस्तों, ये सुरकंडा देवी माता का जो मंदिर है, यह जब भगवान शंकर माता देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे, उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से माता सती का सिर इस स्थान पर गिरा था, इसलिए इसे सुरकंडा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नतें भी पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं, यह मंदिर के लिए आधे रास्ते, आई थिंक आधे से कुछ कम हम पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत 2-3 शॉप्स वगैरह हैं जो पूजा के लिए सामग्री, पूजा सामग्री, फोटो भगवान की मूर्ति वगैरह मिलते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु वगैरह, बहुत सारे भक्तों वगैरह आते जाते रहते हैं। और यह मंदिर 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली होती है। एक और बात, यदि आपको यहाँ सुरकंडा देवी मंदिर जाना है तो आप मानसून के अलावा किसी भी सीजन में जा सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ रोपवे का भी सुविधाएं अब स्टार्ट हो गई है। जब हम लोग गए थे उस टाइम रोपवे की सुविधा स्टार्ट नहीं हुई थी, प्रोग्रेस में था काम, बट अब काम वो रोपवे से आप जा सकते हैं, वहाँ स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक वो जो किराया वो शायद 150 या 200 रुपया है, देख सकते हैं आप यहाँ। दूसरी बात दोस्तों, चढ़ाई है, कुछ मुश्किल चढ़ाई है, 3 किलोमीटर की ज़्यादा नहीं है, बट चढ़ाई थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से बाकी आप देख सकते हैं। आप ये फोटोज़ वगैरह, मूर्ति वगैरह जो यदि अपने बच्चों और के लिए कुछ टॉयज वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं। हाँ एक बात और, यदि आप मंदिर की चढ़ाई के लिए चलते हैं तो एक अपना पानी का बोतल हाथ में रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, पानी की ज़रूरत होगी आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम मौसम, आप देख मौसम भी देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं। हाँ दोस्तों, दूसरी बात, हम लोग दिल्ली से गए थे बाई रोड गए थे। तो एक्चुअली मुझे बाइक राइडिंग ज़्यादा पसंद है, तो हम बाइक से जहाँ भी जाते हैं बाइक से ही जाते हैं। तो दिल्ली से 355 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और इसके आसपास घूमने का भी बहुत अच्छा जगह है। एक धनौल्टी इको पार्क हो गया, वहाँ एडवेंचर पार्क भी है, और ये सुरकंडा देवी टेम्पल तो है ही। वहाँ से भी 40 किलोमीटर की दूरी पर आप टेहरी डैम, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, टेहरी डैम बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा वहाँ का व्यूज़ है, आप वहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। कनाताल है जहाँ पे, वो भी एक अच्छा गाँव है, बहुत अच्छा लोकेशन है, वो भी घूम सकते हैं। अब हम यहाँ मंदिर के पास पहुँच गए हैं, ये जूता वगैरह, जूता घर वगैरह, जहाँ पे हम अपना जूता वगैरह उतार के यहाँ हम पाँव वगैरह धोते हैं, फिर यहाँ से मंदिर के लिए हम मंदिर पे पहुँच गए। तो
आप दे सकते हैं। मौसम तो आप देख ही रहे हो, इतना अच्छा मौसम है, एकदम बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप देख रहे हैं हवाएं चल रही है बहुत तेज़, अभी धूप निकली हुई है, फिर कुछ ही सेकेंड बाद, कुछ ही मिनटों बाद आप देखिएगा पूरे बादल छा जाते हैं एकदम से कुछ जैसे कुहासे लग जाते हैं ठंडी के मौसम, वैसे आपको दूरों दूर तक मतलब दिखेगा नहीं कुछ भी। और ये है मेन मंदिर जहाँ माता सुरकंडा देवी जहाँ स्थित है। ये कहा जाता है कि शक्तिपीठों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये है मेन मंदिर उनका, माता का मंदिर। आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा मौसम है। आप ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि आप जाइए तो दिसंबर और मार्च के बीच में जाइए, उस टाइम बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप देख रहे हैं ये माता का मंदिर है, और श्रद्धालु भक्त वगैरह अपना आते रहते हैं जाते रहते हैं। और ये पास में बजरंग बली का मंदिर है, उसके जस्ट बगल में ये शंकर भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, तो आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोग उत्तराखंड घूमने जाते हो तो एक बार आप लोग यहाँ जरूर जाए घूमने के लिए। बहुत अच्छा लोकेशन है, फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, फेमस मंदिर है। तो आप लोग जाइए, जरूर जाइए और माता का दर्शन कीजिए। जो भी मनोकामनाएं, जो भी मन्नतें हैं वो मांग सकते हैं, शायद पूरी हो जाए। सुना है कि सभी का पूरा होता है यहाँ पे। तो और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम है। तो चलिए, हम लोग शाम के टाइम गए थे, आई थिंक 6 बज रहा था उस टाइम, थोड़ा इस वजह से भक्त वगैरह चले गए थे शाम के टाइम। और आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, कितना अच्छा मौसम, बहुत ही अच्छा मौसम है, रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मौसम। आप देख रहे हैं इससे पहले धूप निकला हुआ था, आप देखिए कितने कुहासे छाए गए, कुछ मिनट बाद और देखिएगा कितना कुहासा छा जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग यदि उत्तराखंड जाते हो तो सुरकंडा देवी मंदिर जरूर विजिट करें, और आप लोगों से बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग यदि आपको कुछ मन्नतें मांगते हो तो आप एक चुनरी बांध सकते हो, जो भी मन्नतें आप अपने दिल में, फैमिली के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी मांगते हो, तो वो मन्नतें मन में रख के और आप चुनरी बांध सकते हो यहाँ पे, तो कहा जाता है कि वो मन्नतें पूरी हो जाती है। तो दोस्तों बस आपसे यही उम्मीद है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप लोग यदि जाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट मैं भी पहली बार यहाँ पर गया था, इस वजह से मुझे जितनी जानकारी थी आप लोगों के बीच शेयर किया। आगे से उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे अच्छा जानकारी लेकर और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच कोई अदर दूसरा वीडियो दूसरे जगह का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम प्लान कर रहे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर जाने का, तो हम वहाँ का वीडियो डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं बादल एकदम कुहासे छाए हुए हैं, जैसे ठंडी में छा जाते हैं, जबकि हम ये मार्च में गए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर विजिट करें। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।